वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपना गणपति जी का डेकोर। तो गणपति हम लोग सुबह लेके आए हैं और आज मैं सारा डेकोर वगैरह कर दूंगी ताकि कल सुबह सुबह रश ना हो। लास्ट टाइम मैंने सुबह ही डेकोर किया था तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था। आज का मुहूर्त जो है स्थापित करने का वो 10:45 से शुरू है, तो कल का। और ये सब ले रही हूँ मैं डेकोर के लिए, अपने सारे कलरफुल दुपट्टे, तो मजेंटा थीम रखना है, कुछ तोरण जो पुरानी मेरे पास पड़ी थी फेस्टिवल्स के लिए निकालती हूँ मैं, और ये एम्ब्रॉयडरी हूप ले रही हूँ। और एक सामने जो थर्माकोल वाला बॉर्डर है वो मैं लेके आई हूँ, और ये वाली तोरण जो है मैंने लास्ट ईयर गणपति जी के लिए ली थी। एक्चुअली पीछे धूप है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्शन आ रहा है, तो मैं इस तरफ से भी आपको दिखा देती हूँ। ये सब सामान मैंने इकट्ठा कर लिया है, जितना भी डेकोर मैं यूज़ करने वाली हूँ या जो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी मैंने एक्स्ट्रा लिया नहीं है। बस एक ये जो थर्माकोल वाला ये फ्रेम है, ये जो ऊपर बॉर्डर लगेगा, बस ये मैंने लिया है। और सामान मैं इसलिए इकट्ठा कर लेती हूँ ताकि मुझे पता रहता है कितना स्टफ़ मेरे पास है। और ये भी मेरा दिवाली पे मैं यूज़ करती हूँ अपना उर्ली बॉल जो है, ये सब मैंने इकट्ठा करके रखा है। और इसमें मैंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, गणपति जी के जो क्लोथ्स वो पहनेंगे और जो लगता है उनकी चौकी वगैरह का सामान, इसमें वो मैंने ऑलरेडी इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये उनकी माला है, एक माला हम नॉर्मल पहनाते हैं और जो फूल माला है वो रेगुलर बेसिस पे यूज़ होगी, बट ये वाली मैं एक लेती हूँ। ये उनके क्लोथ्स हैं, जो वस्त्र वगैरह उनको अर्पण करते हैं, ये सब चीज़ें मैं अलग से रख रही हूँ ताकि सेम डे पे रश ना हो, इसलिए एक दिन पहले सारी तैयारी करके रखूँगी। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना डेकोर करना। और सबसे पहले जो बेस, ये दुपट्टा मैंने लास्ट ईयर यूज़ किया था तो मैं सोच रही हूँ भी नहीं करूँगी, थोड़ा डिफरेंट भी लग रहा है बाकी से, तो थोड़ा सेम रखूँगी। अभी मैंने ये खाली करके इस पर येलो बिछाते हैं, तो मैंने येलो दुपट्टा यूज़ किया है। और ये कपड़ों का स्टैंड मैं यूज़ कर रही हूँ उनका पंडाल बनाने के लिए। इस पर मैंने देखो पीछे पूरी तरह से लाइट इस बार टेप से लगाई है ताकि थोड़ी इवन दिखे, सेम गैप देके मैंने लाइट्स फिक्स कर दी हैं। इस पे कपड़ों का स्टैंड है और क्योंकि आगे से खुल भी जाते हैं तो उनका पंडाल वाला पूरा गेटअप आएगा। और एम्ब्रॉयडरी हूप पे मैं यूज़ कर रही हूँ ये छोटे वाली गोटा पट्टी की लेस, इससे मैं चेक या जिगजैग कुछ बनाऊँगी। और शूट नहीं किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत अजीब सा शूट आ रहा था, तो अब ये पूरा सेटअप मेरा रेडी हो गया है। बस अभी थोड़ा सा डेकोर क्लीन करना बाकी है, वो मैं स्थापित करेंगे तब करूँगी। तो ओवरऑल ये इस तरह से दिख रहा है। ये वाली पिंक वाली लेस जो थी, ये सॉरी तोरण, ये भी मैंने नई ली है, लाइट पिंक और डार्क पिंक करना था। तो एक हूप को मैंने नीचे फ्रेम में बनाया और एक हूप इस तरह से मैंने ऊपर पंडाल वाला लुक देने के लिए ये बेल वाला, इसको डेकोरेट किया है। पीछे दो पिंक दुपट्टे मैंने पीछे यूज़ किए हैं, एक बेस के लिए और एक ये जो मैंने थोड़ा कर्व करके यूज़ किया ये डेकोर के लिए यूज़ किया है। और एक मजेंटा दुपट्टा मैंने ऊपर लगाया है। तो बस अभी सब मेन चीज़ें जो थी वो मेरी हो गई हैं। दिस इज़ द ओवरऑल लुक। ये उर्ली बॉल्स पे मैंने फ्लावर सेटअप किए हैं, एक पोर्शन छोड़ा है उसमें मैं दिया या फिर वो जो वैक्स कैंडल्स आती है वो यूज़ करती हूँ, तो वो उसी के लिए है। और बाकी सब रेडी हो गया है। तो पूजा मैंने पूरा शूट नहीं किया है, थोड़ा शॉर्ट में किया है ये गणपति स्थापना, क्योंकि ये अराउंड 45 मिनट्स लगे थे
जो भी प्रोसेस था पूरा फॉलो करके, मंत्र वगैरह करके, इनको स्नान करा के सब चीज़ें अर्पण करके, फिर भोग आरती ये सब करने में मुझे अराउंड 45 मिनट्स लगे थे। तो बस मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रही हूँ, तो मे बी देखने में ऐसा लग सकता है कि बहुत जल्दबाजी में हुआ है, कुछ इम्प्रॉपर था, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत लंबा हो जाता वीडियो अगर मैं बहुत डिटेल में दिखाती। तो यहाँ पर स्नान मैंने थाली में इसलिए नहीं कराया क्योंकि मैंने थोड़ी सी ना नीचे ये ब्लू वाली जो कलरिंग थी ये दोबारा कराई थी, तो मुझे डाउट था वो निकल जाएगा, इसीलिए मैंने नॉर्मल स्नान कराया पंचामृत से, और बाकी प्रोसेस जो था वो एज़ यूजुअल फॉलो किया है। तो लेट्स चेक आउट। सो कल मेरे पास मोदक मोल्ड नहीं था, आज मैं मोल्ड से बना रही हूँ। और नॉर्मल जो ये कोकोनट पाउडर है इसको मैंने रोस्ट किया पहले, और इसके साथ मतलब इसको गैस से उतार के इसमें थोड़ा कंडेंस मिल्क किया है। मुझे पहले डाउट था कि वो मे बी चिपक जाए या कुछ ऐसा हो जाए, तो मैंने इसमें नीचे कंडेंस मिल्क ऐड किया है और नॉर्मल तरीके से ही बना रही हूँ मैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ आज, प्लेन डाल रही हूँ। थोड़ा रूम टेम्परेचर वाला मिल्क ऐड किया ताकि इसको अच्छे से मैं बाइंड कर सकूँ। थोड़ा सा इलायची पाउडर मैं ऐड कर रही हूँ, इससे एक अच्छा फ्लेवर आ जाता है, और एक्चुअली प्रसाद में इलायची वगैरह अच्छे से यूज़ होती भी है, तो काफ़ी यू नो टैम्पटिंग सा लगता है वो, यमी लगता है, फ्लेवर आ जाएगा इसमें, क्योंकि और कोई चीज़ मैं डाल नहीं रही हूँ। तो इसको मैं गैस से उतार के पहले मिक्स कर लूँगी अच्छे से, उसके बाद मैं इसे हीट करूँगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा नॉर्मल जो होता है वो मिल्क पाउडर, वो ऑप्शनल था वैसे, लेकिन मुझे लगा कि एक तो थोड़ी क्वांटिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने फर्स्ट जो ट्राई किया था वो कम बनाने का ट्राई किया था, और अच्छी बाइंडिंग भी मिल जाएगी, और इसका ना टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया ये देखो इसको मिलाने के बाद। तो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और अब ये पैन छोड़ने लगा है, लाइक ये हलवे के जैसे शेप में आ गए। तो अब मैं इसको थोड़ा घी का हाथ लगा के और मोल्ड में इसके मोदक प्रिपेयर कर लूँगी, या तो आप इसमें घी इस तरह से ड्रॉप करके डाल सकते हैं या हाथों पे लगा सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो यहाँ पे मैंने इसके साथ ही प्रिपेयर किया है इनका गणपति जी का जो केसर मिल्क होता है, दूध का भोग लगता है वो, तो ये भी डेली लगता है। और कल थोड़ा सा हेक्टिक था इसलिए पूरा मैं शूट नहीं कर पाई, मतलब पूजा में स्थापना में बहुत टाइम गया। तो ये ड्राई फ्रूट मैंने रोस्ट की मतलब सॉरी कूट लिए हैं, मेरे को एक्चुअली वो कट करके नहीं डालने थे, कूट के अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा और पूरा अच्छे से चले जाएंगे अंदर। तो अब ये मेरा ये जो ठंडा हो गया है ये मिक्सचर मैंने बनाया था, इनको मैं अब मोल्ड में डाल के और अच्छे से मोदक प्रिपेयर कर लूँगी। ये इस तरह से प्रिपेयर किए हैं, और ये ना नीचे से अच्छे से फिल करना है तभी प्रॉपर शेप आएगी, मतलब कई बार हम सिर्फ अंदर डाल देते हैं और नीचे से फिल नहीं करते हैं।
तो उसके बाद शेप अच्छी आ जाती है अगर फिल कर दें। और अब केसर मिल्क जो मैंने अलग से भिगा के रखा था ये अच्छे से पोर कर देंगे। इसको आप ब्रश से भी कर सकते हैं बट मेरे को लगा ऐसे हो जाएगा और हो ही गया था, एक दो मोदक पे अच्छे से नहीं गया पर बाकी सब पे केसर मिल्क अच्छे से चला गया था तो काफ़ी अच्छे दिख रहे थे। एंड हेयर इज़ आर कोकोनट मोदक्स आर रेडी। तो ये है नेक्स्ट डे का भोग, मतलब पूजा के बाद दोपहर को जो भोग लगता है। इसमें मैंने पनीर की भुर्जी बनाई है, सिर्फ टमाटर डाल के ही बनेगा ऑब्वियसली ये सारा खाना। और राइस और पूड़ी मैंने डेली बनाई है, जब तक मतलब ढाई दिन के गणपति बैठाए थे तो पूड़ी डेली बनती थी। छोले बने हैं, रायता बना है खीरे का, राइस एंड दैट पनीर की सब्ज़ी। सुबह मोदक का भोग लग गया था और ये मैं कर रही हूँ अब नेक्स्ट डे का शूट। आज मैं मोदक बनाऊंगी अलग तरीके से, अपना पर्सनल मैंने कोई शूट नहीं किया है और टाइम नहीं होता था, बहुत हेक्टिक था ट्रस्ट में, बट मज़ा आ रहा था। तो आज के भोग को भी मैंने सेम तरीके से करा है, कोकोनट और ये सब डाल के, बट आज मैं फ्लेवर ऐड कर रही हूँ। फ्लेवर में मैं ऐड कर रही हूँ बीट रूट का जूस लाइक पिंक मोदक बनाने के लिए, और थोड़े से कोकोनट मोदक बनाऊंगी। तो नॉर्मल ये जो कल बताया था ये वही है, और इस तरीके से आज थोड़ी मैंने क्वांटिटी ज़्यादा कर ली है क्योंकि मुझे कल था कि अच्छे से बन जाएंगे, कल थोड़ा ट्रायल था। तो इस तरह से मैंने तो इस तरह का बनाया कि इसमें मैं दो तरह के मोदक बना सकूं। अब इसको जब ये अच्छे से ऐसे पैन छोड़ने लगा है, अब मैं इसे निकाल लूँगी, ठंडा करूँगी उसी तरह घी के हाथ लगा के, और इसमें जो भी फ्लेवर आप चाहे मतलब कुछ भी, कोई रूअफ़ज़ा डाल के भी बना सकते हैं, पिंक मोदक बनाने हैं, स्ट्रॉबेरी का कोई एसेंस है वो भी डाल सकते हैं, बट मुझे लगा कि नेचुरल इंग्रेडिएंट यूज़ करूँ तो मैंने इसमें बीट रूट का जूस ऐड किया है। आप चाहो तो पाउडर भी ऐड कर सकते हो। दो पोर्शंस में डिवाइड किया है, एक में मैं बनाऊँगी ये अपने पिंक वाले और एक में चॉकलेट मोदक। चॉकलेट में मैंने कोको पाउडर और थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड की है। एंड ये इस तरह से कल की तरह जो भी मेरा बनेगा, अभी दूध बनेगा ये, इसके लिए भी मैंने साइड में प्रिपरेशन कर लिया क्योंकि ये दूध पकने में टाइम लगता है, तो साइड बाय साइड ये पकता रहेगा उधर मोदक रेडी हो जाएंगे। और सुबह 8 बजे मैं आरती कर लेती हूँ तो उससे पहले ये सब प्रिपेयर करना पड़ता है। तो साथ में जब तक दूध बन रहा है, मैं मोदक का मोल्ड जो हमने मिक्सर बनाया वो भी ठंडा हो गया है, अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ ये भीगा हुआ एसेंस जो मैंने भिगोया था बीट रूट का, और साइड में मैं ऐड कर रही हूँ कोको पाउडर। तो ये पिंक वाला बन गया है मेरा, और अभी इसको भी अच्छे से नीड कर लेंगे तो बहुत इजीली नीड हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एंड सेम प्रोसेस हम लोग इसी तरह से मोल्ड में रखेंगे और अपने मोदक रेडी कर लेंगे।
तो अब ऐसे ही करते करते आज डे थर्ड हो गया है और अब गणपति जी के विसर्जन का टाइम है। तो 5 बजे मैं विसर्जन करूँगी। सुबह नॉर्मल मोदक का और फ्रूट्स का भोग लगा था, जो भी पान पत्ता वो सब लगता है उनको, और क्योंकि विसर्जन करने से पहले भी भोग आरती सब खाना वगैरह करना होता है। तो अब मैं बना रही हूँ एक ग्रेवी वाला पनीर। इसमें मैंने टमाटर और काजू का पेस्ट वो और दूध मिक्स करके ये सब्ज़ी रेडी की है। तो इसमें अच्छी खासी ग्रेवी बन गई, यू कैन सी, और बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है क्योंकि खड़े मसाले आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, दालचीनी वगैरह वो मैंने यूज़ किया है। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी रेडी हो गई है एंड 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 हलवा रेडी हो गया है, और साथ ही मैंने बनाया था नॉर्मल जो राइस और पूड़ी बनती है वो भी, और रायता भी। हलवा मेरा बहुत अच्छा बना है, और एक्चुअली जब भोग का कुछ भी बनाते हैं तो रेडी हो जाता है अच्छे से। और ये साथ ही में मैंने बीट रूट का रायता भी बनाया है। तो ये अब इनका, क्योंकि बहुत गर्मी थी तो मैंने क्लोथ्स निकाल दिए हैं, नॉर्मल क्लोथ्स में मैं कर रही हूँ। विसर्जन के टाइम पे मैं चेंज कर लूँगी, और क्योंकि जब गणपति जी को विसर्जन करने जाते हैं तो वहाँ भी प्रसाद बढ़ता है, तो इसलिए लड्डू और ये गणपति जी के हाथ में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स बांधे हैं, क्योंकि इनको जब विदा करते हैं तो कुछ खाना दे के भेजते हैं, ऐसा होता है। तो उसी के साथ इनका पान और ये जो खाना है ये मैं साथ में दूंगी, और मतलब जाएंगे विसर्जन के टाइम पे। और अब गणपति जी जा रहे हैं तो पूरा प्रॉपर जो विसर्जन का प्रोसेस होता है वो कर लिया था, लाइक जिस तरह से भी करते हैं, और अभी इट्स टाइम टू लीव, सो लेट्स गो। विसर्जन करने अकेले ही गए थे, तो रास्ते में गौरव के फ्रेंड्स हैं, उनके गणपति जी का भी विसर्जन हो रहा था। नॉर्मली विसर्जन इसी तरीके से होता है, बैंड बाजा और बहुत सारे गुलाल के साथ। तो फिर रास्ते में हमने उनको ज्वाइन कर लिया, तो हम लोग भी ऐसा वॉक करके गए, एंड इट वाज अ ग्रेट फन, क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने ऐसे विसर्जन किया और इस तरह के विसर्जन में यू नो जाके एंजॉय किया। एम्बर वाज क्वाइट हैप्पी, एंड होप आप सबका गणपति बहुत अच्छा गया होगा। सो गणपति बप्पा मोरिया, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, क्या पूछ रहे थे आप? हाँ।